रायपुर में खेला गया पहली बार मैच। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत ने जीता। स्टेडियम में चक दे इंडिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने 8 विकेट से मुकाबले में जीत दर्ज की। बता दें कि रायपुर के इस मैदान पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया जिसमें भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। न्यूजीलैंड की टीम 108 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने 20.1 ओवर में ही 111 रन बनाए और 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। टीम इंडिया की इस जीत में गेंदबाजी में जहां मोहम्मद शमी हीरो रहे तो बल्लेबाजी में टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया। इसके अलावा शुभमन गिल ने भी 40 रन की नाबाद पारी खेली। बहरहाल इस मुकाबले में जब भारतीय टीम ने जीत हासिल की तब रायपुर के मैदान पर कुछ एक अलग अनुभव फैंस को देखने को मिला। वहां मौजूद फैंस को रायपुर के इस मैदान पर लाइट शो के साथ साथ देशभक्ति के गाने और साथ ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। रायपुर में खेले जा रहे इस पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के बाद द लाइट शो का आयोजन किया गया। इसमें रायपुर का मैदान जगमगा उठा। इसके अलावा देशभक्ति के गाने जिसमें चक दे इंडिया, वंदे मातरम जैसे गाने फैंस के लिए चलाए गए और वहां मौजूद फैंस ने इस ऐतिहासिक पल का अनुभव किया जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फैंस इस ऐतिहासिक पल के बारे में अपने कैमरे में इस पल को कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार लिख रहे हैं कि ये पल वाकई खास था। बता दें कि लाइट शो के दौरान वहां मौजूद फैंस ने भी देशभक्ति के इन गानों को गुनगुनाया जिसके भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वंदे मातरम चक दे इंडिया के जब गाने मजे तो वहां मौजूद हर फैन के अंदर, हर भारतीय फैन के अंदर तिरंगे को लेकर सम्मान और बढ़ गया। बता दें कि टीम इंडिया की जीत के बाद ये लाइट शो और साथ ही वहां गाने का प्रोग्राम किया गया जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बहरहाल टीम इंडिया अब जीत चुकी है मुकाबला और इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। उससे पहले आप देखिए रायपुर के मैदान पर लाइट शो और भारत के जीत का ये वीडियो।